दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं हम ऐसी रेसिपी जिसमें सबसे ज़्यादा प्याज डलती है। तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको कि चॉप कर लिया, छोटी बड़ी पतली मोटी जिस साइज़ में काटनी उस साइज़ में काट लिया है। और यहाँ पे जो हरा जो लहसुन है वो भी छिलके रख दिया है। तो इसको तो रखते हैं हम साइड में, और यहाँ पर मैं लेके आती हूँ जो चीज़ हम बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी, जो कि किसी को पसंद नहीं आती। तो देखिए दोस्तों, ये छीलने वाला है, इसे मैंने छील लिए हैं करेले। ये देखिए, इस शेप में छील छील के रख दिए हैं, और इसके जो इसके अंदर जो छिलका रहता है वो भी इसी के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक भी लगा दिया। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा नमक भी लगा दिया और पानी भी छोड़ दिया नमक में। तो यहाँ पर जब तक इसमें थोड़ा सा हम इसको रखेंगे 5-10 मिनट, फिर इसके बाद में जैसे ही नमक, जैसे ये देखिए अभी काटना बाकी रह गया, इसको काटना है, फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले तेल। अब सामग्री क्या डालने वाली है करेले की सब्जी में, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई, जैसे आमतौर पे घर पे बनाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर करेले की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालता है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी करीबन ये 1 बड़ा चम्मच तेल। सरसों का तेल है, बहुत फ़ायदा करता है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से तो बैटर कुछ भी नहीं। यूपी साइड में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। तो जब तक यहाँ पर तेल गर्म होता है, मैं करती हूँ दूसरी तैयारी और इसको भी वॉश करके रख लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेले को ये देखिए काट भी लिया है, अच्छे से धुल चुके हैं, और इसके साथ छिलके भी हैं। तो मैं इसमें छिलके डालने वाली हूँ, अच्छे से मैंने वॉश कर लिए छिलके भी। और यहाँ पर ये देखिए धुआं निकलने लग गया है इसके अंदर से। देखिए दोस्तों, तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल दूँगी ये सौंफ। सौंफ के बिना तो करेले की सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो प्याज है, सारी प्याज इसमें डालने वाली है, सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। सौंफ में अच्छे से तड़का लग गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तड़का लग गया है, तो इसको मैं हिलाने के लिए लेके आती हूँ पहले। जब तक दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं लेके आ गई हूँ चमचा ये हिलाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे, ताकि मतलब ये थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए। एक करेले की सब्जी है जिसमें आप प्याज कैसी भी काट दो, हल्की सी मोटी काट दो, छोटी काट दो, बड़ी काट दो, जैसी स्लाइस में भी काट सकते हो आप इसके अंदर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा मुझे चलाना है इसको 2-3 मिनट के लिए। तो इसको चलाने के बाद में यहाँ पर जो ये करेले हैं वो इसमें डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अभी इनको हमें फ्राई करना है करेले के साथ में। देखिए, जो इसको अधिकतर लोग इसको फेंक देते हैं, मतलब जो करेले के छिलके होते हैं उनको फेंक देते हैं, लेकिन इसको अगर हम तेल के साथ अच्छे से फ्राई करके बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है। और बच्चों को कम पसंद आती है करेले की सब्ज़ी, काफ़ी लोगों को कड़वी लगती है इसे, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बहुत करती है करेले की सब्ज़ी। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी बुखार की शिकायत रहती है, बुखार बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को करेले की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, और बहुत फ़ायदा करती है। काफ़ी लोग तो करेले का जूस बनाकर भी पीते हैं, और मैं भी सोच रही हूँ कि करेले का जूस पीऊँ, तो थोड़ा बहुत मतलब शरीर में कुछ हेल्थ में कुछ फ़र्क पड़े। इसका जूस तो और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर इसको फ्राई करना है करीबन 10 मिनट तक। तो वीडियो में आप पूरा टाइमिंग नोट कर लीजिए, फिर उसके साथ ही हम जब 10 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसके बाद में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले नमक। तो यहाँ पर मैं नमक डालूंगी 1/4 चम्मच, क्योंकि इसको नमक के साथ ही धोते हैं, तो थोड़ा बहुत नमक रहता ही है इसके अंदर, इसलिए नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, इसके साथ ही यहाँ पर 1/4 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। और दोस्तों, करेले की सब्जी को मतलब कहते हैं ढक के नहीं बनाना चाहिए, और इसको पानी भी नहीं डलता करेले की सब्जी में,
तो मैं भी वैसे ही करूँगी कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप करेले की सब्ज़ी बनाएं, एक तो तेल बहुत ज़्यादा डलता है, प्याज ज़्यादा डलती है, और इसके साथ ही इसको कभी भी ढककर नहीं बनाया जाता है। अच्छे से फ्राई करके फिर बनाते करेले। करेले कई तरीके से बनाए जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। भरवा करेले बनते हैं, पनीर करेला, मूंगफली करेला, और काफ़ी, और करेले को आलू के साथ भी बनाते हैं, करेला नारियल भी बनाते हैं। बहुत सारी वेरायटी है करेले की सब्ज़ी के साथ, जो कि है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। करेले की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने अपने लिए बनाई है ये करेले की सब्ज़ी। मेरे घर में कोई नहीं खाता करेले की सब्ज़ी। तो जैसे बहुत बड़े बड़े साइज़ में आते करेले, जैसे उन करेलों को बनाते हैं हम भरवा साइज़ में, और जो छोटे छोटे करेले उनको इससे भी छोटे पीस में करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको वापस से फ्राई कर लेती हूँ हल्दी नमक के साथ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको अच्छे से हमने 10 मिनट तक इसको चला लिया है अच्छे से। अब चलाने के बाद में ये देखिए, चलाने से अच्छे से गल भी गए। ये देखिए मैं काट के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अच्छे से गल गए हैं। तो अब यहाँ पर बीच में हम करते हैं थोड़ी सी जगह। जगह करने के बाद में अब हम डाल देंगे इसमें जितने भी सूखे मसाले हैं वो सारे डाल देंगे। तो हमने पहले हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो हमें डालना है 2 बड़े चम्मच, ये छोटी वाली चम्मच है, ये वाली हाफ स्पून वाली, और करीबन आधी चम्मच हमें डालना है यहाँ पे लाल मिर्ची। तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको मिला लिया है, और अब इसमें जाएगी बस केवल सिंपल सा थोड़ी सी खटाई। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको हमें मिर्ची को पकाना है करीबन कितनी देर तक, करीबन 5 मिनट हमें इसको अच्छे से मिर्ची को पकाना है। तो इसमें हम लास्ट में डालेंगे एक सामग्री जिससे कि करेले का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 मिनट मैंने चला लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया है अमचूर। तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर केरी अगर आपके मौसम में मौजूद हो तो आप केरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी लोग टमाटर भी डालते हैं करेले की सब्ज़ी में, तो आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये फाइनली करेले की टेस्टी सी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।